राम राम जी सारे दर्शकों को, संसार क्रांति देखने वाले दर्शकों को राम राम। तो भाई इस वक्त ऑस्ट्रेलिया पे नीतू मलिक सियाग मार के लाइव जुड़ गई है और ज्योति मौर्या और आलोक का जो मामला है वो फिलहाल जो है बहुत हॉट मुद्दा यानी कि गर्म मुद्दा बन गया है। और भाई इसके ऊपर काफी सारे मीम्स, काफी सारे रील, काफी सारे शॉर्ट वीडियो भी चालू हो गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं नीतू मलिक सियाग, जो पहली बार ऐसा मामला है कि नीतू मलिक सियाग नु कहे बोले ज्योति मौर्या जो है यानी कि जो एसडीएम ज्योति मौर्या जिसको कि आलोक मौर्य ने पढ़ाया लिखा का एसडीएम बनाया, तो नीतू मलिक सियाग नु कहे भाई यू जो है ये जो ज्योति मौर्य है ये अपनी जगह सही है। हाँ जी नीतू जी, पहले तो दर्शकों ने राम राम मान लो। सभी दर्शकों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जी जी, ये देखो मैं ये नहीं कह रही कौन सही कौन गलत है, किसी का जाति मामला है, पब्लिक पता नहीं मीडिया जो इसको इतना उछाल रहा है, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता इस जगत में जब तक हम खुद नहीं पढ़ना चाहते। और क्या एक लड़की पैदा होते ही वही पढ़ा रहा था उसको आलोक मौर्या जो भी इसका नाम है। जी नहीं, लेकिन लेकिन नीतू जी आलोक ने उसकी पूरी मदद करी है उसको पढ़ाने में, आगे पढ़ाने में। तो देखो जो मदद करी है उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, और जो बाद में क्या होता है जी बिहाइंड द डोर क्या सीन चलते हैं, एक हस्बैंड वाइफ है वो, कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, 24 घंटे साथ रहने का है, तो वो इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं इस तरह के हस्बैंड जो खुद ज्यादा आगे मुकाम नहीं बना पाते। तो पढ़ाया लिखा है तो उसने खुद ही पढ़ाई लिखाई कुछ मदद की है तो उसके लिए थैंकफुल है, वापस में उनका क्या तालमेल है क्या नहीं है। नहीं, लेकिन 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 एक बात बताओ नीतू जी, बार बार नीतू जी सुनो, रुको मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट रुको आप। नहीं 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 मुझे रोकना नहीं, आप सुनो, जब उनकी शादी हुई तो उनको क्या पता नहीं था कभी कौन किस डेजिग्नेशन पे है, क्या जो ज्योति वो है जो ज्योति मौर्या है, तो वो लड़की का कहना है कि उन्होंने जो लड़के की नौकरी के बारे में झूठ बोला था कि वो उस पोस्ट पे नहीं है, चलो वो भी कोई मैटर नहीं है, उसके बाद बिहाइंड द डोर एक लड़का किस प्रकार से एक हस्बैंड एक वाइफ को टॉर्चर करता है ना, नेगेटिविटी इतनी बोलते इतने टॉन्ट मारते, वो तो ज्योति मौर्या में, ज्योति मौर्या में अहंकार आ गया होता है ना उसका, कोई नीतू जी ज्योति मौर्य में अहंकार की वजह से, कोई अहंकार नहीं, अहंकार की वजह से गृहस्थी का जो तालमेल है वो खराब हो गया। जब एक महिला को बिहाइंड द डोर एक हस्बैंड वर्बली अब्यूज करता है कि तुझे ये नहीं आता, तेरे को मैंने पढ़ा लिखाया, तू आज ये है वो है, हर टाइम उसको एहसास दिलाया जाता है कि तू कुछ नहीं मैं सब कुछ हूँ, तो इसमें अहंकार कहाँ से आ गया। और जब एक लड़की स्टेप अप लेना चाहती है, वो नहीं हैप्पी उस आदमी के साथ, तो क्यों उसको जबरदस्ती वो क्या करा। तो ज्योति मौर्या को एक मिनट रुको, नॉन स्टॉप मत हो नीतू जी, आप पहले मेरी सुनो, आप पहले मेरी बात सुनो, क्या ज्योति मौर्या को एसडीएम बनने से पहले नहीं तलाक देना चाहिए था, अगर उसको पता था कि भी उनका लेवल नहीं मैच कर रहा तो एसडीएम बनने से पहले भी तो वो तलाक दे सकती थी। ये लेवल की वजह से नहीं हो रहा, वो ज्योति मौर्या की किस्मत में एसडीएम बनना लिखा था, उसने मेहनत करी उसको वो फल मिल गया। ये बहुत लंबे समय से इस तरह की टॉर्चरिंग चलती है, वो कोई भी लड़की अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं आज बता देती हूँ आपको, उसको बहुत टॉर्चर किया जाता वर्बली अब्यूज, जिसका कोई भी सबूत नहीं होता किसी के पास, आपको क्या पता बिहाइंड द डोर वो किस तरह की वर्डिंग यूज कर रहा होगा ज्योति मौर्या के लिए, किसी को नहीं पता। तो किसी भी वुमेन को जज नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जो तन लागे वो मन जाने। तो मैं किसी की पक्षधार नहीं हूँ, लेकिन एक वुमेन का नेगेटिव पक्ष दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे लगातार, तो मैं इसकी पक्षधार नहीं हूँ। मैं ऐसे कुंठित समाज और ऐसे जो आदमी खुद कुछ नहीं कर पाते फिर वो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, या फिर भी वो बढ़ गई। लेकिन लेकिन आलोक मौर्य ने तो अपनी पत्नी को भी, आलोक मौर्य ने तो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया है, खुद वो फोर्थ क्लास कर्मचारी थे उसके बावजूद। अपने माँ बाप के घर भी अकेला उसने नहीं बढ़ा दिया उसको आगे, उसके माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे होंगे, उसकी बाकी फैमिली भी सपोर्ट कर रही होगी, अकेला पति नहीं सपोर्ट कर रहा है क्या, परिवार में कितने लोग होते हैं, लड़की के पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे होंगे, मोटिवेट कर रहे होंगे। लेकिन नीतू जी ऐसे में उन हस्बैंड को बहुत बड़ा झटका लगा है जो हस्बैंड अपनी पत्नियों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाह रहे थे। जिन हस्बैंडों के अफेयर चलते रहते हैं 5-5, 10-10, उन हस्बैंडों को बड़ा आघात हो रहा है कि महिला ने, महिला का अफेयर चल गया तो उनके तन पे जा लगी, जब वो खुद अफेयर चलाते हैं तब उनको नहीं दिखता कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और फिर तब लड़की अगर शिकायत करती है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, अफेयर वाला तो मैटर ही नहीं इसमें। नो 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 नो
जब एक बहू शिकायत करती है अपने सास ससुर से भी कि आपके बेटे के इतने अफेयर चल रहे, तो लड़के वाले पता क्या 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 कर देते, ये तो लड़का है कोई नहीं, चलता रहता है समाज में, जस्ट एक्सेप्टेड। तो एक लड़की ने अगर अपनी मनचाही करनी, इसमें पतन कितनी सच्चाई है नहीं सच्चाई है, अगर एक लड़की अपना बेटर लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती है तो इसमें गलत क्या है, इसमें इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। चलो नीतू जी, आप साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि जो ज्योति मौर्य है वो अपनी जगह सही है। सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, हम लोगों को कोई राइट नहीं बनता हम किसी को जज करें, लेकिन एक महिला का नेगेटिव पक्ष दिखा जाए मैं इसकी पक्षधर। चलो ये नीतू जी के अपने विचार हो सकते हैं भाई, ये नीतू जी के अपने विचार हैं और नीतू जी ने अपना पक्ष रखा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से सिद्धि हमारे संसार क्रांति के साथ जुड़ी है नीतू जी। नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम, महिलाओं को पॉजिटिविटी दिखाइए, राम राम। चलो भाई, फिलहाल जो है नुगा आग्रह बिला जितने मुंह उतनी बात। फिलहाल पहला ऐसा शख्स या पहली ऐसी महिला वो भी ऑस्ट्रेलिया तक जुड़ी है जिन्हें साफ तौर पर न्यू किया है अगर भाई जो ज्योति मौर्य है वो अपनी जगह सही है और कितने न कितने महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए इस तरह की अपने अधिकारों के लिए। आप तारा अपना क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो, कर दो भाई वीडियो ने जिला के शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि इस डाल की समस्या उसके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।